नगर के बीचों बीच पड़े कूड़ा घर को हटाने के लिए जिस प्रकार यहां का युवा आंदोलन रद्द हुआ था, उसी प्रकार अंकिता हत्याकांड के हत्यारों का भी साफ सफाई करने के लिए देवभूमि से आंदोलन रद्द हो चुका है। युवा न्याय संघर्ष समितियां बनी है, उसके बारे में क्या कहेंगे ये लोग जो कर चुके हैं पहले कूड़ा घर हटाने वाले मामले को लेकर और अभी अंकिता हत्याकांड वाले मामले में भ्रष्टाचारी आरोपियों के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। सुरेंद्र भाई का क्या कहना है? देखिए जी, हमारे इस प्रदेश के अंदर आज जो है पूरी कानूनी व्यवस्था चौपट हो चुकी है और प्रशासन और जनप्रतिनिधि दोनों के दोनों मिलकर के जनता का बेवकूफ बना रहे हैं और हम वो जनता है जिस जनता के माध्यम से इनका पालन और पोषण हो रहा है। हम हो सकता है कि आज जो है संख्या में बहुत कम लोग हों, लेकिन आने वाले समय में जो है हमारी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और हम लोग जो है जिस न्याय को मांगने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं उस न्याय को हम हर हाल में प्राप्त करके रहेंगे। इसके लिए हमें अगर सरकार से आमने सामने लड़ना पड़ेगा तो हम आमने सामने भी लड़ेंगे और यदि जनता की सहभागिता के माध्यम से सिर्फ लोकतंत्र का एक जो हवाला है, जो मान बिंदु है, उसके आधार पर अगर इन्होंने हमें लाभ न्याय दे दिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो हम आमने सामने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है और लोगों को तैयार करेंगे। आपको सरकार पर कितना विश्वास है, किस प्रकार वो व्यवस्थाओं को चला रही है, आरोपियों को कटघरे में लेकर फांसी के तख्त पर ले जाने लायक है ये सरकार? देखिए, मैंने तमाम जो है हमारे जो परिचय में जितने भी अधिवक्ता थे उन लोगों से बातचीत करी, जो अभी तक इन लोगों ने केस का आधार बना रखा है उस आधार पे वकीलों का मत है, वो कह रहे हम खुलकर नहीं बोल सकते, परंतु मैं उनकी बात बताता हूँ आपको कि उन्होंने कहा मैक्सिमम 6 महीने 1 साल की सजा होगी और उस 6 महीने और 1 साल की अवधि को भी ये न्यायिक हिरासत के तौर पे जो है काट देंगे और 6 महीने साल भर के बाद जब लोग जो है भूल जाएंगे तो इन्हें चुपचाप जो है कोर्ट से बाइज्जत भरी करके रिहा कर दिया जाएगा और ये व्यक्ति जो है धनाढ्य तो है ही, ये किसी दूसरे देश में जाकर के अपने कुछ साल काटेंगे और किसी अन्य प्रदेश की नागरिकता लेकर अन्य प्रदेश में जाकर के वहाँ जो है आम नागरिक की तरह जिंदगी जियेंगे और अपने काले कारनामों को इसी प्रकार से बढ़ाते रहेंगे। ये कहना है सुरेंद्र भाई का कि ये कहीं ना कहीं सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस तरीके की क्रिया ना कर रहे हों। हमारे साथ और हैं जिन्होंने कूड़ा घर का आंदोलन किया था, क्या नाम है आपका? आशुतोष डंगवाल, राज्य उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी। ये अंकिता के विषय में बात हो रही है तो मुझे नहीं लगता है कि वो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जिस पार्टी जो सत्तासीन पार्टी है उससे जुड़े लोग हैं, उनके पुत्र हैं, उनके जो है राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे, ये सब लोग जो हैं और एक्चुअली एविडेंसों को मिटाने का काम शुरू से ही चला जा रहा है। लेकिन ये काम जो है बात अंकिता की हो रही, लेकिन न जाने कितनी अंकिता वहाँ से गई होंगी। ये सब जो है 8-9 सालों से वहाँ पर ये तांडव चल रहा है। लाइन ऑर्डर वहाँ पे क्या कर रहा था, अक्सर पुलिस वहाँ जाती क्या कर रहा था, अक्सर यहाँ के नेता वहाँ जाकर मौज मस्ती कर रहे थे क्या कर रहा था। 302 का तो उसी दिन मुकदमा बन गया था, छूटने की बात नहीं होनी चाहिए, मैं नहीं मानती। 302 में इनको उसी दिन हो गया जब जिसने कबूल कर लिया कि मैंने उसको धक्का दिया। लेकिन इसके साथ साथ जो है अगर बलात्कार करना शारीरिक संबंधों से संबंध होता है, लेकिन अगर किसी को उकसाया जाए बलात्कार करने के लिए तो भी पॉक्सो एक्ट में बंद होना चाहिए, उस पर पॉक्सो एक्ट लगना चाहिए। इसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। उठा रही है कदम? मुझे नहीं लगता कि कदम सही उठ रहा है, क्योंकि जो है SIT जो है वो सरकार के दबाव में कहीं ना कहीं मुझे लगता है, भले रेणुका देवी जो है वो अच्छी है, उनके बारे में उनका सब कुछ सही है, लेकिन उनके साथ जो काम करने वाली जो टीम है शासनिक प्रशासनिक जो है वो उनको गुमराह कर रही है और SIT को पूरी पूरी रिपोर्टें नहीं मिल पा रही हैं। इसके अलावा CBI को अगर ये मामला जाता है तो शायद कुछ हद तक ये मामला जो है उनके विपक्ष में चला जाएगा जो इसके एक्यूज्ड हैं। सुरेंद्र भाई, जो आजकल ये चल रहा है कि कैबिनेट मंत्री की सुपारी दी जा रही है और दूसरी तरफ एक कैबिनेट मंत्री के भाई के घर में डकैती हो गई, कहीं ये आपके मुद्दे को भटकाने का प्रयास तो नहीं कर रही है सरकार? देखिए, असल में क्या है, प्रदेश के अंदर अराजकता तो फैल ही रही है लगातार, इसमें कोई दो राय नहीं है और प्रशासन जो है हर स्तर पर बिका हुआ है। और जिस देश में हर आदमी जो है अपनी जड़ काटने के लिए तैयार बैठा हुआ हो, तो ऐसे देश में पहले, क्योंकि हमारे देश के अंदर कहते हैं, बार बार कहावतें आती हैं कि जयचंद, तो जयचंद तो एक व्यक्ति था जिसने जो है इतना बड़ा जघन्य अपराध करा कि देश कई वर्षों तक जो गुलाम रहा और कई तरह की यातनाएं हमारे लोगों ने, पूर्वजों ने झेली,
परंतु आज जो है हर घर में जयचंद पैदा हो रहे हैं। अगर हम 10-50 लोगों को छोड़ दें तो इस शहर के अंदर तमाम लोग बुद्धिजीवी है, जिनके बच्चे बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी जगह पे रह रहे हैं, बहुत अच्छा स्टेटस है, मेंटेन करते हैं, शाम के टाइम जो है बहुत अच्छा पैसा खर्च करते हैं, आर्थिक रूप से भी संपन्न है और हर प्रकार से साधन संपन्न है और इनकी जो है नेताओं से अधिकारियों से सबसे पहुँच है। परंतु दुर्भाग्य है इस देश का, प्रदेश का, कि यहाँ पर जो है पता नहीं कौन सी ऐसी मानवता को धारण करके लोग बैठे हुए हैं कि जहाँ पर जो है सही वाक्य के लिए तो हम बोलने को तैयार नहीं है और गलत चीज़ों के साथ हम इस प्रकार से खड़े हैं कि उस गलत का ही स्पष्टीकरण देते देते हैं हमारी जो है मुँह नहीं थकता, हमारी ऊर्जा समाप्त नहीं होती। सेन भाई, जो सवाल था वो ये था कि जो ये मुद्दे आए हैं, एक कैबिनेट मंत्री की सुपारी का, दूसरा कैबिनेट मंत्री के भाई में जो के घर पे लूट हुई है, डकैती हुई है, उससे कहीं इन मुद्दों को भटकाने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है? नहीं, स्वाभाविक है, खैर इसमें कोई दिक्कत दोराए नहीं है, ये भटकाया जा रहा है क्योंकि इतने बड़े मंत्री के लड़के को और जो है धमकी देना, जो भी रूलिंग पार्टी में है इस समय, और उसके अलावा जो है इतने बड़े पद पर बैठे हुए हमारे और इतनी बड़ी पहुंच होना कि जिन पे जो आला कमान का इतना बड़ा हाथ है, उनके भाई के घर में डकैती होना, वो भी 1.5 घंटे बंधक बनाया गया और खरोच किसी को नहीं आई, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये सारा जो है एक किसी दूसरे दिशा में जनता का ध्यान भटकाना है, जनता को दूसरी चिंता की ओर ग्रसित करना है कि ये वाला मामला तो कोई दिक्कत नहीं, निपट जाएगा या निपट रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है और आप जो है इस प्रकार की चीज़ों से बचिए। टंगवाल भाई, आपका क्या कहना है, जो डकैती हुई है कैबिनेट मंत्री के भाई के घर और एक कैबिनेट मंत्री की सुपारी दी गई है, ये मामले जो मुद्दे आजकल चल रहे हैं, कितना इससे मामला भटकाने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है? देखिए, मैं परसों जो है ड्राइवर के साथ जो है थोड़ी देर के लिए समोसे वाले की दुकान पर रुका था, डोए वाला में, जो बड़ा फेमस है, तो वही यहाँ ही जो है ये कल की चर्चा है, वहाँ पर जो है जबरदस्त चर्चा चल रही थी, उसमें ये हो रहा था यार कि एक तो कुल टोटल रकम की डिजिट नहीं बता पा रहे घर के लोग, जो अपने आप में संशय रखता है, कोई कह रहा है 1 करोड़, कोई कह रहा है 50 लाख, कोई कह रहा है 20 लाख, कोई कह रहा है इतने गहने, कोई कह रहा है उतने गहने। एक घंटे तक चहल पहल वाली जगह पर उनकी 2 नौकरानियों और उनको बंधक बना के रखा जाता है, तो उसके बाद जो है फिर वो दुकानदार हैं, दुकान में हैं तो वो घर नहीं जाते, क्या 1 बजे खाना खाने या मतलब दिन में या किसी समय चक्कर मार के नहीं आते, थोड़ी दूरी है उनका घर, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैं देखिए सत्य को तो मैं बिना जांच पड़ताल के मैं भी कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन कहीं ना कहीं संशय तो है, एक बात। दूसरी बात, ये जो बोगड़ा जी का लड़का है, विजय बोगड़ा जी का लड़का सौरभ बोगड़ा इस समय मंत्री है, उसकी 20 लाख की अगर सुपारी दी गई है और वो गुहार लगा रहे हैं सरकार से, तो बहुत ही सेम है कि बहुत सेम है, ये पूरे उत्तराखंड राज्य की सरकार के लिए और जो है प्रशासन शासन के लिए सेम है मेरी तरफ से, कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों हो रहा है कि एक मुख्यमंत्री को अपने लड़के को बचाने की गुहार लेना और उसकी सुपारी मिल रही है, तो लाइन ऑर्डर कहाँ है, शासन प्रशासन कहाँ है, ये तो बड़े धिकार नहीं योग्य बात है, सब लोग धिकारेंगे, बाहर के लोग, जो बाहर के स्टेट हैं वहाँ के लोग धिकार रहे हैं इस मामले को, तो ये बड़े दुख की बात है। दुख की बात है, इन आंदोलनकारियों का भी साफ साफ कहना है कि कहीं ना कहीं मामले को डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, इस तरीके की चीजें भी सामने आ रही है, इसलिए जो है सरकार संभल जाओ, युवा जानता है कि आखिर हमारे देश में प्रदेश में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। खबर पर बने रहिए आपके साथ आमला न्यूज, यूं ही खबर आपको दिखाता रहेगा क्योंकि हम लोग स्थानीय चैनल है। धन्यवाद।